इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की संवेदनशीलता के बेहद चर्चे हो रहे हैं। वह यह है कि सांसद तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले निलंबित शिक्षक को कमलनाथ द्वारा बहाल करने के निर्देश दे दिए गए। उल्लेखनीय है कि नाथ द्वारा इसके पहले जबलपुर के एक शिक्षक का निलंबन वापस करवाया था, जिसने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कमलनाथ का यह कहना है कि आलोट के जिस शिक्षक ने श्री गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसे माफ करने का मुझे अधिकार नहीं था, लेकिन उनकी यह नीति रही है कि वे नफरत की नहीं बल्कि प्रेम की राजनीति करेंगे। उनकी इसी नीति के चलते मैंने जबलपुर के शिक्षक के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने के निर्देश दिए थे। यही नीति मैंने इस मामले में भी अपनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद श्री गांधी ने आज तक उन पर अशोभनीय टिप्पणी करने, बयानबाजी और आलोचना करने वाले तमाम विरोधियों को माफ किया है। वे कहते हैं, आप जितने अपशब्द मुझे कहो, मैं उतना अधिक मजबूत होता हूं और मेरा आत्मविश्वास दृढ़ होता है। उनकी सोच के विपरीत मेरी सरकार उनके खिलाफ टिप्पणी करने वाले पर कार्रवाई करे, यह उचित नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कतई मतलब यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपमान करे, उनका अनादर करे। उन्होंने कहा, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर हूं, परंतु इसका पालन मर्यादा और सीमाओं के साथ हो, और यही अभिव्यक्ति स्वस्थ लोकतंत्र का माध्यम बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने रतलाम के कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, वे आलोट विकास खंड के ग्राम आलोट के शासकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक श्री बालेश्वर पाटीदार को सांसद श्री राहुल गांधी को सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर की गई निलंबन की कार्रवाई तत्काल वापस ले। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।